हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीपी चैनल पर, जिसका नाम है सुधार्थी। और जैसे आप सभी को पता होगा कि जेएनयू में पीएचडी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये भी आप लोगों को पता होगा कि जेएनयू में एडमिशन जो होता है वो आपके दो माध्यम से होता है। एक तो आपका जेआरएफ के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है, और कुछ सेंटर जो होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसके 70% वेटेज होता है, और एक इंटरव्यू का 30% वेटेज होता है, उसके हिसाब से आप लोगों का पीएचडी में एडमिशन होता है। तो आज जो है हम लोग जो जेएनयू का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है सोशियोलॉजी, जिसको यहाँ सोशल सिस्टम कहा जाता है, उसी पर बात करेंगे। और सोशियोलॉजी में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जिस तरह सीपीएस में होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। तो उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त धात्री हैं, जो अभी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रही हैं। और तो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए धात्री, उसके बाद जो आपका स्ट्रेटजी रहा है सोशियोलॉजी में, आपने जो एडमिशन लिया, आपका जो एक्सपीरियंस रहा, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम धात्री है, मैं सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रही हूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और मेरा मास्टर्स भी जेएनयू के सोशियोलॉजी सेंटर से ही था, बट मेरा अंडर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में था, रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिलहाल मैं अपने पीएचडी में हैदराबाद और गुड़गांव के आईटी एम्प्लॉयज़ पे काम कर रही हूँ, और स्पेसिफिकली कहा जाए तो उनके सोशल मोबिलिटी को देख रही हूँ, और अभी हमारा कोर्स वर्क चल रहा है। तो धात्री, जिसे आपको पता होगा कि जैसे सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में जो एडमिशन होता है, उसके पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है। आपका जेआरएफ है या नेट है उसका कोई मतलब नहीं होता, आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। उसका कट ऑफ अगर आप पार कीजिएगा तो आपका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा आपसे कि जो सोशियोलॉजी में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपने एंट्रेंस एग्जाम का शुरुआत कहाँ से किया था? ओके, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम सोशियोलॉजी जेएनयू के लिए खासकर प्रिपरेशन करते टाइम, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब सीयूईटी नहीं था पीएचडी में, और जेएनयू खुद से पेपर सेट करता था, सारे सेंटर्स अपने आप सेट करते थे। तो जो पढ़ाया जाता है जेएनयू के मास्टर्स में, और जो सिलेबस ज़्यादातर कोर सब्जेक्ट्स में कोर पेपर्स में पढ़ाया जाता है, उसके सिलेबस देखकर मैंने प्रिपरेशन अपना शुरू किया था, कि जो पढ़ाया गया था हमें मास्टर्स में उसको रिवाइज़ किया, और कुछ जो इंपॉर्टेंट रीडिंग्स लगी उनको पढ़ा, और उसके पॉइंट्स याद किया, आर्ग्यूमेंट्स याद किया। और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें, जैसे आप जेआरएफ के लिए भी पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हो गए, थियोरीज हो गए, और मेथड्स हो गए। और ये तीनों मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सीयूईटी के थ्रू भी अगर जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी ये चीज़ें आपको करनी होंगी, तो इससे मैंने शुरू किया था। ओके, तो जैसे मान लीजिए जो बिगनर्स हैं जो सोशियोलॉजी में, खासकर जेएनयू या ड्यू कहीं भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनको ये स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखना चाहिए। जैसे आप, जैसे धात्री आप इसे मान लीजिए जेएनयू पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जो दोस्त हैं खासकर स्टेट यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनको कुछ उतना आइडिया नहीं होता। तो मेरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट किया जाए, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, सिलेबस कैसे देखा जाए, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ओके, अगर कोई है जो जेएनयू के बाहर किसी और यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी में सोशियोलॉजी में खासकर, तो उनको जेएनयू के सोशियोलॉजी वेबसाइट पर जाकर एक बार कोर्सेज कौन से ऑफर होते हैं ये देखना चाहिए सबसे पहले, ताकि आइडिया लग जाए किस तरह के रीडिंग्स या किस तरह के थिंकर्स को पढ़ाया जाता है। और सारे कोर्सेज का लगभग कोर्स आउटलाइन है, और खासकर कोर कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज नहीं, उनका अगर आप एक बार कोर्स आउटलाइन, कोर्स स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के किस एरियाज में आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप मुझे लगता है ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, शायद 2019 से चल रहा है, हाँ जब से एनटीए कर रहा है, तो चार साल तीन साल के जितने पेपर्स है वो एक बार देखे, सॉल्व भी कर ले, तो उससे भी एक तरह का आइडिया मिल जाता है कि लेवल ऑफ यू नो पेपर क्या है, कि टफ लग रहा है या इजी लग रहा है, और किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मुझे लगता है, हाँ हाँ, दो एरियाज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक है आपका थियोरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थियोरीज दोनों मिला के, और दूसरा मुझे लगता है मेथड्स। मेथड्स और टेक्निक्स पे सोशियोलॉजी में बहुत फोकस किया जाता है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो जो लोग जेआरएफ के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे सोशियोलॉजी में, उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग कुछ पूछेंगे, बेसिक टेक्निक्स और मेथड्स पूछेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि दो जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा धात्री कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स आपने जो इस्तेमाल किया, खासकर जो अभी आपने जो दो सेक्शन है बताया जिस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप सोर्स बताइए, यूट्यूब चैनल हो या कोई किताब आपने स्टैंडर्ड यूज़ किया हो उसको लेकर आप। मुझे लगता है दो किताबें यूज़फुल है थियोरीज़ के लिए। जॉर्ज रिट्ज़र की किताब है सोशियोलॉजिकल थियोरीज़ के नाम पे, उसको उसमें काफ़ी सारे थियोरीज़ और थिंकर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बहुत डेप्थ में समझाया जाता है, तो वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी वो ईजी हो जाता है, क्योंकि जेएनयू में जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है वो फैक्चुअल नहीं होके कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो भी थिंकर्स ने दिए हैं, तो वो उससे फ़ायदा मिलता है थियोरीज़ पढ़ने पर। और मेथड्स के लिए अर्ल बैबी की एक किताब है, टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च शायद उसका नाम है, तो उसमें सारे कवर किए गए, चाहे क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गए, क्वांटिटेटिव हो गए, सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज हो गए, और रिसर्च डिज़ाइन हो गया,
तो वो एक किताब है जिसमें कॉम्प्रहेंसिवली सारे मेंशनड है टॉपिक्स, और वो इनफ है मुझे लगता है ये दोनों किताब, ये इन दोनों एरियाज के लिए। मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो टेक्निक्स और मेथड वाला पार्ट जिसको आरएम भी बोल सकते हो, हाँ, वही मेरे हिसाब से इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला उसमें उनका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। उसमें जो सिलेबस दिया गया उसमें 50% उसी पर फोकस, पेपर वन पूरा रिसर्च मेथड से। मैं एक स्पेसिफिक आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने मुझे जहां तक पता है कि आपने सीपीएस में भी दिया था और आप सोशियोलॉजी में भी दिया था आपने, और उसमें जो आरएम वाला सेक्शन जो होता है फिलोसफी ऑफ साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी कोर्स में आपको पढ़ाया भी जाना होगा। हाँ। तो फिलोसफी ऑफ साइंस में कुछ खासकर थिंकर हैं जैसे कार्ल पॉपर, थॉमस कून, एनी लकाटोज या पॉल फेयरबैंड, तो इसको लेकर आपने उस स्पेसिफिक पार्ट को लेकर खासकर फिलोसफी ऑफ साइंस जो मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है सोशल साइंस का, उस पार्ट को आपने कैसे किया था? ओके, उस पार्ट का एक्चुअली हमें फ़ायदा इसलिए हुआ, जेएनयू में मास्टर्स में उस पर काफ़ी जोर दिया जाता है, और फर्स्ट सेमेस्टर का कोर कोर्स है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, उसका कोर्स आउटलाइन देख लीजिएगा एक बार, जो अगर उसके बारे में और पता करना चाहते हैं कोई साथी, उसमें जितने सारे रीडिंग्स मेंशनड है वो काफ़ी थरोली पढ़ाए जाते हैं, जिससे एक पूरा आइडिया मिल जाता है जितने भी मेथोडोलॉजी में डिबेट्स हुई है, चाहे कॉल पॉपर हो गया या थॉमस कून हो गया या हेम्पल हो गया, इन सब के बारे में, और इन जनरल भी मेथड्स और मेथोडोलॉजी के बीच में क्या फ़र्क है ये भी पता चल जाता है। और अगर रीडिंग्स, और इस टाइम पर क्योंकि शायद एक या डेढ़ महीना बचा है तो रीडिंग्स सारे कवर करना मुश्किल होगा, तो इसके लिए हमारे सेंटर के प्रोफेसर है विवेक सर, प्रोफेसर विवेक कुमार, उनका यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स है, और वो सी एस सी नहीं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, सर का अपना यूट्यूब चैनल है, और उनके जहाँ पे भी उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया किसी यूनिवर्सिटी में, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के भी लेक्चर्स उन्होंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। हाँ, सर के नाम से यूट्यूब चैनल है और सर के नाम पे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेथोडोलॉजी को हमें समझाया, तो क्लास में तो समझाया ही, बट उन्होंने क्योंकि नॉलेज शेयर करना होता है तो उन्होंने यूट्यूब पे भी उन चीज़ों को अपलोड किया हुआ है, काफ़ी अलग जगहों से भी वो अपलोडेड है, तो विवेक सर के आप लेक्चर्स देख सकते हो अगर मेथोडोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं तो। यूट्यूब चैनल अगर आप खासकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपने तो बुक तो बताया है, उसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल को देखना चाह रहे हैं तो सर के नाम से चैनल है, और उस पर जाके जो आरएम वाला सेक्शन है, जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला सेक्शन है, उसको आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे खासकर जो पीएचडी एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी रोल होता है कि आपको एक सेंस देता है कि कौन सा पार्ट, जो जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए तो हमें वहाँ से पता चलता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, पॉलिटिकल थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जो क्वेश्चन आ रहा है कंसेप्चुअल है थ्योरेटिकल है उससे आपको सेंस मिलता है। तो जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब प्रिपरेशन कर रही थी तो उसमें प्रीवियस पेपर का क्या रोल था, और आपने नोट्स कैसे बनाया था, या नोट्स बनाया नहीं था कि सिर्फ प्रैक्टिस किया था, और दूसरे यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी होता था उस पेपर का भी आपने यूज़ किया था, उसका कुछ बताइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने जब सॉल्व करना शुरू किया, काफ़ी कम अवेलेबल है ना, क्योंकि 4 या 3 साल के पेपर्स अवेलेबल थे, जैसे 2022 में जब हमने दिया था तो 2-3 साल के पेपर्स अवेलेबल थे जेएनयू के स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने एचयू के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने वो देता आ रहा है काफ़ी टाइम से वो मैंने सॉल्व किया। एचयू के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा होता है, वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है, उनके वेबसाइट पर काफ़ी आसानी से मिल जाता है, और आंसर की भी उसका मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगा अगर आप खुद से गूगल करेंगे तो। जेआरएफ के पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व किया, मगर वो एंट्रेंस पीएचडी के एंट्रेंस के लिए उतना मतलब फ़ायदेमंद लगा नहीं, तो इसलिए एचसीयू के पुराने डीयू का सॉल्व कर सकते हैं, मगर डीयू का पैटर्न काफ़ी अलग आता था पिछले साल तक, वो सोशियोलॉजी डीयू में ऐसे होता था एंट्रेंस, आपको 10 पैराग्राफ्स दिए जाते थे और हर पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते थे और आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ उससे पूछे जाते हैं, तो फिर उस पैटर्न क्योंकि पैटर्न अलग है तो वो उतने यूजफुल नहीं होंगे, तो इसलिए एचसीयू और जेएनयू के पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, और कुछ सेट जैसे महाराष्ट्र सेट है या फिर आई थिंक महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के लगे तो वो भी सॉल्व किया था मैंने और मेरे कई दोस्तों ने, तो ये तो मतलब आपका सजेशन है कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो सोशियोलॉजी का पीएचडी का प्रीवियस पेपर है वो आपको जितना मिल रहा है उसको कीजिए, जेएनयू का जो मिल रहा है प्रीवियस पेपर, और आप सिर्फ महाराष्ट्र का देख सकते हैं कि वहाँ पर जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो अभी पैटर्न खासकर चेंज हुआ है और जो सिलेबस जो मेंशन किए हैं तो उन लोगों ने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि यूजीसी का जो सिलेबस है वो फॉलो किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से जो उनका जो डिमांड है उसके हिसाब से जो आपका जेआरएफ का जो पेपर होता है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 सवाल अगर आपसे पूछ रहे हैं तो 100 के 100 कॉन्सेप्ट चलेंगे, उसमें हो सकता है 25-30 फैक्चुअल भी आ जाए, तो उन फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर्स तो काफ़ी हेल्पफुल है अगर फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस को अगर आपको याद करना है प्रैक्टिस करना है, बट इस बार जेएनयू में जो प्रोस्पेक्टस निकला है सीयूईटी का उसमें सोशियोलॉजी अलग है और सोशल सिस्टम्स अलग है, जी जी, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो इसमें कन्फ्यूजन है अभी भी कि सोशियोलॉजी क्या है और सोशल सिस्टम्स क्या है, जहाँ तक अभी हमें पता चला है वो यही है कि सोशल सिस्टम्स जेएनयू अपना अलग से करवाएगा, क्योंकि और किसी यूनिवर्सिटी में सोशल सिस्टम्स है नहीं, और सिर्फ जेएनयू के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स के रूप में जाना जाता है, तो बहुत चांसेस है कि जेएनयू अपना एंट्रेंस सीयूईटी के थ्रू करवाते हुए भी अलग से रख रहा है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो सेंटर के टीचर्स सेट करें और जेआरएफ के सिलेबस पे ज़्यादा रिलाई ना करें। ठीक, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और आपने
क्योंकि सोशल सिस्टम अगर सोशियोलॉजी देखा जाए तो सोशियोलॉजी आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, लेकिन सोशल सिस्टम स्पेसिफिक सेंटर आपके जेएनयू में ही है। मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने लगभग लगभग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर किया, कि आपने नोट्स का नोट्स आपने बनाया था और उसका रिविजन कैसे किया था, खासकर जैसे जैसे पता होगा कि जैसे आप इंट्रेंस एग्जाम जितने करीब आता उतना एंजाइटी स्टूडेंट का काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको आपने कैसे टेकल किया था? जब भी मैं कुछ पढ़ती थी, कोई किताब या फिर कोई आर्टिकल जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, तो उसके उसको एक बार पूरा पढ़ने के बाद जो मुझे कोर आर्ग्यूमेंट या कोर पॉइंट या मेन पॉइंट जो लगता था, मैं नोट्स बनाती थी उसका। कुछ ऐसे बुक्स भी थे जिसको पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि लंबे चैप्टर्स होते हैं और आप हो नहीं सकता कि 40-45 पेज पढ़ के आप लास्ट में याद रख रहे हो, आपको रनिंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। वो इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आप जब लिखते हो, मुझे लगता है याद भी हो जाता है जितना आप एक बार लिखते हो, और आप दो बार पढ़ रहे हो या तीन बार पढ़ रहे हो बिल्कुल रिटेंशन होता है, बट आप एक बार लिख रहे हो पढ़ते हुए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली याद रख पाते हो। तो नोट्स मैंने बनाया था, और लास्ट के एक महीने में खासकर ऐसा हो नहीं सकता कि हर टॉपिक पे आप नोट्स बनाओ, तो 3-4 मैंने टॉपिक्स चूज़ किया जिस पे मैं नोट्स बनाऊंगी, और बाकी ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे लगा मैं एक बार अगर पढ़ूंगी तो काफ़ी होगा। ये टॉपिक्स थे थियोरीज, सोशियोलॉजिकल थियोरीज। मैं इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जेएनयू में एमए में पढ़ाया नहीं जाता उस तरीके से, अलग से कोई कोर्स नहीं है इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के लिए। बीए के लेवल पे जितना पढ़ाया जाता है उतना अगर नॉलेज है तो ठीक है, और 4-5 सवाल मैक्स आते हैं, हमारे टाइम तक तो ऐसे ही होता था, इंडियन थिंकर से ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, तो वो मैंने नहीं पढ़ा, जितना पहले का नॉलेज था मैं उसी पे मैं रिलाई कर रही थी। तो एक सोशियोलॉजिकल थिंकर थियोरीज वेस्टर्न, और दूसरा था रिसर्च मेथड्स जिसमें मुझे लगा लिखना चाहिए क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती है और आप भूल जाते हो अगर आप लिखते नहीं हो। तीसरा था एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरीज, एंथ्रोपोलॉजी कल्चर ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ाए जाते हैं मास्टर्स में, और ये इनका वेटेज भी होता है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज के लिए जेरी डी मूर का एक किताब है इसी नाम से, एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज के नाम से, हाँ जेरी डी मूर, तो उसका मैंने किताब पढ़ा था। उसमें शायद मेरे ख्याल से 24 या 25 एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स के चैप्टर्स हैं अलग अलग, तो हर चैप्टर का मैंने पढ़ा और उसमें मैंने ये लिखा कि कौन सा थियरिस्ट है ये और इनका क्या किताब है और इन्होंने किस ट्राइब पे या किस एरिया में काम किया है, की आइडियाज़ क्या है, की थियरीज क्या है। या आप नोट्स अगर बना रहे हो तो आप स्कूल ऑफ थॉट वाइज भी बना सकते हो कि ये चार थिंकर्स सिमिलरली सोचते हैं तो ये किस स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, जैसे स्ट्रॉस हो गया या कोई और हो गया, आप उनको स्ट्रक्चरलिस्ट बता सकते हो। अगर आप क्लिफर्ड गीट्स की बात कर रहे हो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, तो आप उनको इंटरप्रिटेटिव टर्न से समझ सकते हो। तो 3-4-5-6 आपको जितने भी लग रहा है स्कूल्स ऑफ थॉट्स के हिसाब से अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको एक लॉजिकल कनेक्शन भी बनेगा कि कोई क्वेश्चन भी आ गया तो आप ऑप्शंस देख के समझ जाओगे कि अच्छा इस थिंकर का थॉट ये है या इस स्कूल में आते हैं तो उन्होंने ये बताया होगा। जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में खासकर आईआर में रियलिज्म, न्यूरियलिज्म, हाँ उस तरीके से या फिर पॉलिटिकल थियोरी में भी जैसे मार्क्सिस्ट थिंकर्स है, लिबरल थिंकर्स है, न्यू लिबरल है, तो उस तरीके से आप डिवाइड करके पढ़ोगे तो फ्लो भी बना रहेगा और नोट्स भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये तीन टॉपिक्स ऐसी थी जिनमें मुझे लगा कि नोट्स बनाने की ज़रूरत थी, तो मैंने इनमें बनाया। मेरे हिसाब से आपने जो नोट्स पर खासकर जितने स्ट्रक्चर्ड वे में बताया है, हाँ। इसके पहले कोई नहीं बताया था और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से। और लास्ट में आपने प्रैक्टिस किया होगा, प्रीवियस पेपर काफ़ी बनाया होगा, नोट्स बनाया होगा, और मेरे हिसाब से लास्ट में अगर आप कोई किताब ऐसा जो जिससे आपको पता हो कि खासकर जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो किताबें पढ़ने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल और गाइड्स, उसके लिए गाइड्स क्या है, तो उसको लेकर कुछ अगर आप बता दें कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जो सोशियोलॉजिकल थियोरी को अच्छे से कवर किया हो, हाँ। या उसका नोट्स टाइप कुछ अगर आप कुछ। दो यूट्यूब चैनल्स मुझे याद आता है, ऑल्दो मैंने पीएचडी के टाइम पे शायद उतना उन पर रिलाई नहीं किया होगा, मगर मास्टर्स के एंट्रेंस के टाइम पे खासकर मैंने उनको देखा क्योंकि मैं डिसिप्लिन भी चेंज कर रही थी तो मुझे नया डिसिप्लिन समझने में बहुत हेल्प किया। वो एक है अंतरा चक्रवर्ती का चैनल है सोशियोलॉजी में, वो अन अकेडमी में एजुकेटर है, उन्होंने काफ़ी हद तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थियोरीज और इन सबको कवर किया अच्छे तरीके से, हाँ सोशियोलॉजी के, तो उनका बहुत अच्छा एक चैनल हो सकता है अगर कोई इस तरीके की चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं नई चीज़ें जल्दी में। और दूसरा मुझे लगा एक यूट्यूब चैनल है स्लीपी क्लासेस, वो पढ़ाते हैं मगर उनका सोशियोलॉजी का जो सेक्शन है, जो सोशियोलॉजी के एजुकेटर है उनमें, वो काफ़ी अच्छे से थियोरीज़ को समझाया है उन्होंने, और ऐसा भी नहीं है कि वो 10 मिनट के हैं, 40-40 मिनट के अच्छे कॉम्प्रहेंसिव क्लासेस हैं और हर टॉपिक को उन्होंने ढंग से डील किया है, तो मुझे लगता है वो एक होगा। मतलब जो खासकर जो बिगिनर्स हैं, हाँ। या अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, सोशियोलॉजी की जो बेसिक फाउंडेशन उनका ठीक नहीं है, तो दो जो यूट्यूब चैनल आपने सजेस्ट किया उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की ऐसा है कोई बेसिक बुक आपके दिमाग में जो आता हो, खासकर जो सोशियोलॉजी के बिगिनर्स हों जो जिनका बेसिक और फाउंडेशन ठीक कर देना? ऐसा एक बुक है हरलम बोस करके, ऑरेंज बुक ब्लू बुक दो आते हैं हरलम बोस के। इस बुक का फ़ायदा यही है कि आपके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर देगा काफ़ी कम टाइम में, क्योंकि कंसाइज तरीके से लिखा जाता है और बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, तो इस पे लोग रिलाई कर सकते हैं अगर फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच दात्री, और लास्ट में अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क अगर देना चाहें या कुछ जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉइंट छूट गया हो मेरे हिसाब से तो आप बता सकते हो कुछ लास्ट में। मुझे लगता है एंट्रेंस पीएचडी का खासकर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एंट्रेंस में जितना स्कोर करते हो वो आपके लिए आगे जाके डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है।
कट ऑफ मान लीजिए अगर 60 है तो कोई बेरली क्वालिफाई कर रहा है 61-62, तो उनका इंटरव्यू अच्छा भी जाए तो सेलेक्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा भी नहीं होगा कि किसी को एक नंबर दिया जा रहा है तो किसी को 25 नंबर दिया जा रहा है, बहुत कम नंबर का डिफरेंस होता है इंटरव्यू में। तो मैं तो यही कहूँगी जो भी तैयारी कर रहा है कि एंट्रेंस में अच्छे से स्कोर करे और अपना प्रपोजल पे भी साइमल्टेनियसली काम करते रहे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एंट्रेंस पार भी कर गए आपके नॉलेज से, बट आपका प्रपोजल ठीक नहीं होगा तो इंटरव्यू पे वो असर पड़ेगा। तो प्रपोजल और एंट्रेंस दोनों साइमल्टेनियसली पढ़े। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आप प्रपोजल में दे दो, एंट्रेंस ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस के बाद वैसे भी 15-20 दिन का गैप रहता है जिसका आप पूरा टाइम प्रपोजल पे ध्यान दे सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपने प्रपोजल को ढंग से कर ले और साथ में एंट्रेंस भी निपटा ले तो वो बेटर रहेगा। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है, खासकर जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट और सोशियोलॉजी स्ट्रीम से आते हैं, जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कि खासकर इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास नहीं होता है और बहुत लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी पता नहीं चलता कि प्लानिंग कैसे किया जाए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो उसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। और वही है कि आप वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप थैंक यू सो मच।